कोशिशें हैं अब भी जारी, मर गई है तुझको देखने की प्यास में। यस, तो फिर गाना चलाया जाए। हाँ। कौन से वाला? पंजाबी सॉन्ग। पंजाबी सॉन्ग, चलो भाई दिलजीत दोसांझ जी के गाने चला दो भाई। करण औजला के। हाय कर दो। ये भाभी भाई गाना भाई फिर भगा दूंगा, खिंडा दूंगा। राम जी, मैं आपका अपना भाई सी गुजर। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो यार इसको थोड़ा सा प्यार दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आजकल, व्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। पता नहीं भाई तुम लोग कहाँ हो मुझे उम्मीद है अब आप प्यार दोगे। सो भाई फाइनली मैंने जैसे बोला था कि मैं व्लॉग्स अब बनाया करूँगा अपने सिर्फ मेन ओकेशंस पे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गाने के शूट पे। अब तो आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। नया गाना मेरा जाके जरूर सुने, बड़ा प्यारा लोफी सॉन्ग बनाया है। तू मेरी जिंदगी में आ ना सकी, मेरे ख्वाबों में भी आया ना कर, जाके सुनो, बड़ा मज़ा आएगा। तो हम जा रहे जी उसके शूट के लिए मसूरी। तो अब इसके बाद सीधा मैं, आप जब मावी भाई भी साथ में जा रहे हैं तो उनके साथ गाड़ी में बैठ के ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा। तो पहले, उससे पहले देखते, मम्मी ने कुछ तैयारियाँ कर रखी हैं मेरे लिए। मेरी मम्मी बहुत प्यारी है भाई, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो सारी मेरे बैग पैकिंग में मम्मी मेरी बहुत मदद करती है। क्योंकि मैं आया था 6:30 बजे के करीब। तो मम्मी क्या है तैयारी होती है कर। ये क्या है? राम राम जी, मैं वाइसी गुजर की मम्मी। अच्छा, आपकी अपनी मम्मी। ये तरीके पानी वाली हुई, मंसूरी में बारिश भी हो सकती है। ओके, बैग हैंग करने के लिए ये अच्छा, ये अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा लगेगा, इसको ऐसे टांगूंगा। ओके, और ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला दिखाओ जरा, इसके अनबॉक्सिंग करो अम्ब्रेला की। कैप्सूल अम्ब्रेला, बड़े काम की चीज़ है, छोटी सी भी है और इसको आप लोग कहीं भी कैरी करते हुए परेशान नहीं होंगे। और देखो भाई कितनी प्यारी है कैप्सूल अम्ब्रेला, ये काम मम्मी कर सकती है ऐसे। तो ठीक है, मेरा बेटा वैसे सुंदर जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग जा रहे हैं मंसूरी शूट के लिए। और मैंने बोला था कि मैं आप सीधा आपको ज्वाइन करूँगा मावी भाई की गाड़ी में। साथ में एक कार और जा रही है हमारे, वो पीछे चल रही है और हम अलग मस्ती में जा रहे हैं। काफिला है साथ में। हाँ भाई, डायरेक्टर साहब से मिल लो गाने के। भाई तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो रही हैं? अरे यार मैं बहुत गंदा लग दिया हूँ। और ये हमारे गाने की मॉडल है, कर दो। सो गाइस जा रहे हैं, आप देख सकते हो पूरी रात हो रखी है इस समय। देखो ये हाईवे का कुछ माहौल है, बहुत प्यारी सड़क है, बहुत प्यारी सड़क है। और ये सड़क चलती जा रही है, सड़क नहीं चल रही, हम चल रहे हैं। ओह या, सड़क के ऊपर हम चलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सच में बहुत प्यारा माहौल लग रहा है भाई। रात को ना मैं बहुत कम ट्रैवलिंग करता हूँ, तो ये देख के तो मज़ा ही आ गया। तो और कोई बात कुछ कहना चाहोगे मावी भाई आप? क्या ही कहूँ भाई, ट्रैवलिंग कहाँ करते हो, तो हमें करवा देते कभी कभी। नहीं हाँ, लेकिन कर लेता हूँ ये वाला प्लान। मैं ऑल दो ख़राब कर रहा था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने आके बहुत अच्छा काम किया। और थैंक यू भाई, आप मेरे को लेके चल रहे हो अपने साथ। थैंक यू। तो भाई आ गया आपको, हाँ पार्टी पूरी चाहिए इस चीज़ की। पर रिंकू भाई कुछ नहीं बोल रहे, रिंकू भाई कुछ तो बोल दो यार प्लीज। यार आपके दो अनमोल शब्द चाहिए मेरे ब्लॉग को। रिंकू भाई ने पूरी किला बता दिया ना, प्लीज कुछ तो बोलो रिंकू भाई। मैं बोलूँगा आफ्टर थोड़ा रोड जब क्रॉस कर लेंगे हम लोग, जब मैं बोलूँगा। बाकी सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा वाला। इनका कैमरा ऊपर की तरफ जा रहा, मुझे नहीं पता, मेरी समझ नहीं दिख रही होगी भाई, दिख रही होगी अब, दिख रही होगी देखो। तो बाकी सभी लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं ट्रिप को, चुपचाप बैठे हैं, गर्ल्स तो एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठी है। इनके तो पता, हाँ ये बोर हो चुकी है बेचारी। बोर हो गए आप? चलाओ भाई चलाओ चलाओ, भाई करण औजला के गाने चलाते हैं। तो पहले वीडियो बंद कर लो भाई, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। घोड़े चिट्टे, कुड़ियां काली, यानी ऐसे करते हैं। ओके गाइस, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। घोड़े व्हाइट और छोरी काली, अरे नहीं क्या ब्राउन, ब्राउन वही काली होगी, कुड़ियां ब्राउन, गेहूं का रंग, ब्राउन, ब्राउन गर्ल्स। तो जी सुबह सुबह का माहौल देख सकते हैं आप, मंसूरी का पूरा मौसम बना हुआ है। और खाने के झूठ पे जा रहे हैं भाई। मौसम बने से मीन्स मेरा है कि आसमान में, पहाड़ों पे एक अलग ही खुशी है कि आज ये लड़की आई है यहाँ पर सनरूफ से बाहर निकलकर पहाड़ों को देखने और यहाँ की आनंद में हवा का मजा लेने। मजा आ रहा है भाई, हाय कर दो। ये मावी भाई भाई पूरी रात से गाड़ी चला रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैवी ड्राइवर हैं ये। ये पीछे की जनता हंसती हुई, हंस के दिखा दो एक बार। अब हंसी नहीं आ रही। नहीं आ रही भाई, तुम्हें कुछ कहना है? तुम देखी नहीं। सो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। शूटिंग तो एक बहाना है, पहाड़ों में आना है, पहाड़ों में घूमने आना है। मतलब सच में मजा आ रहा है भाई, सुबह सुबह का माहौल ये लगे यहाँ पे यार। नीचे आ जा, नीचे आने से चाहती लड़की भाई। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं शूट के लिए। और अभी टीम गई हुई है हमारे कैमरा वगैरह लेने के लिए, फिर हम जाएंगे लोकेशन पे जहाँ पे शूट है। और यहाँ वेट कर रहे हैं हम उनका। और साथ ही साथ ना अब पता है मंसूरी में वेकेशंस भी चल रहे हैं, तो लोग घूमने आए हुए हैं और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और मेरे साथ है मेरे सॉन्ग की मॉडल जिया, बिजी रहती है। तो ठीक है जी, फिर आगे आपको कंटिन्यू करके दिखाएंगे कौन कौन सी लोकेशंस पे शूट करेंगे हम यहाँ पे। बाकी मौसम बड़ा प्यारा है यार यहाँ का, वेरी ऑसम। ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर एट मसूरी अपना शूट के लिए। और बहुत बुरी हालत हो गई चढ़ के पूरी टीम की। हमें लगा नहीं था हमारी इतनी बुरी हालत हो जाएगी, पर फिर भी हो गई। बहुत बुरी हालत हो चुकी है एंड व्यू काफी अच्छा है ना। दिखा दे एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। व्यू काफी अच्छा है। आई होप बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो जाए म्यूजिक वीडियो। वेट फॉर इट, शो योर लव एंड। और अब तक वो गाना आ चुका होगा, तो नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में गाना आ चुका होगा, दबा जाके जरूर सुने, बनाओ, टैग करो, मेंशन बैक मिलेगा। और ये हमारे गाने की मॉडल ने क्या खा लिया, सकी नहीं रही है, तर 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 चढ़ी जा रही है। क्या खाया है? आम हिमाचली। ओके भाई, हमें भी बनना पड़ेगा हिमाचली अब, है ना। मैं तो उत्तराखंड हूं बट मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूं, तो मेरी ऐसी हालत हो गई, बहुत खतरनाक वाली भाई। शूट की एक जगह की लोकेशन थी, हमने कर ली। और पब्लिक के साथ ना शूट करना इतना मुश्किल हो जाता है यार कि क्या बताएं। एक तो थोड़ा लव सॉन्ग टाइप है, तो शर्म भी आती है ओपन में सबके साथ। मतलब ऐसा तो कोई मतलब सीन नहीं है इसमें, बट फिर भी एक रोमांटिक सीन्स को करना लोगों के सामने। तो अभी फिलहाल यहाँ मैगी वही खा के थकावट उतारी है हमारी। यहाँ बैठी है मावी भाई, थक गए क्या? भाई फिर भगा दूंगा, खिंडा दूंगा। चलिए ठीक है भाई। और रिंकू भाई कुछ कहना चाहिए? रिंकू भाई कितनी देर लगेगी अभी शूट में? और क्या चीज़ अभी शूट में और कितनी देर लगेगी? अभी तो पूरा शाम हो जाएगा, 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। ओके, हमारे कलाकार तो ऐसे ही पहाड़ों पे चलते रहना है क्या? पहाड़ों पे ट्रैकिंग करनी है हमें, मतलब कुछ डिफरेंट पहाड़ों भी करना है। अच्छा, क्या घुटने जवाब दे जाए? घुटने तो वहीं जवाब देते हैं। बहुत प्यारी लोकेशन दिखाता हूँ आपको। ये अब हमारा रिजॉर्ट पे शूट चल रहा है और शायद ये लास्ट है, इसके बाद रेस्ट करेंगे। बहुत थक गए हैं सुबह से पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के, ट्रैकिंग कर करके। तो भाई बहुत मेहनत करता हूँ यार मैं व्लॉग्स वगैरह बनाने में। अगर आपको पसंद आ रहे हो ना थोड़े बहुत भी, तो प्लीज़ इसको भी शेयर कर दो और जाके गाना तो सुन ही लो। नया वाला बड़ा प्यारा गाना है, कुछ अलग करता हूँ मैं हमेशा। और आप लोगों के भरोसे करता हूँ, मेहनत करता हूँ। उम्मीद है आप प्यार दोगे। ये देखो वादियाँ कितनी सुंदर है, देखो। हाँ जी गाइस, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ मैं। ये बंदा यार बहुत ज़्यादा लेट आदमी है, रात को सबसे ज़्यादा लेट सोता है, सबसे ज़्यादा लेट उठता है। और मैं जितनी बुराई करूँ उतनी कम है इनके बारे में। तो लेकिन भाई है मेरा, प्यार है मेरा भाई। तो ये पीछे बंदा ये बिगाड़ रहा है, कह रहे इनको ये इंसान है नहीं ऐसा, ये बंदा इन्हें बिगाड़ रहा है। रिंकू चौधरी नाम है इनका, इन्हें जहाँ देखो डिस करो। तो ठीक है गाइज, बाय बाय। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो और भी ब्लॉग से देखिए और ये गाना भी जाके चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राम राम। तो गाइज आज गुरुजी का बर्थडे है और मेरे घर में कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि ये भी ब्लॉग में डालूंगा। और हैप्पी बर्थडे गुरुजी को। और भाई सारे एक बार सारे मिल के कह दो। हैप्पी बर्थडे बोल दो गुरुजी को। तो गाइस गुरुजी की सेवा, आज जो बर्थडे है उनका, उनके लिए थोड़ी सी सेवा कर रहे हैं हम। कुछ प्रसाद के पैकेट्स बनाए हमने।